तो गाइस, जब लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे पैड्स का ड्राइनेस टेस्ट किया था, आप बताओ आपको ये वाला इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताना। तो आपके भर भर के कमेंट आए थे कि दीदी और भी पैड्स को इंक्लूड करो, आपने कुछ पैड्स के नाम भी मुझे बोले थे, तो वो सारे पैड्स मैं लेके आ गई हूँ। आपने मुझे ये भी बोला था सिर्फ ड्राइनेस टेस्ट मत करो, कम्फर्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, क्वालिटी, अफोर्डेबल, सारे एस्पेक्ट को टेस्ट करो। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 6 डिफरेंट पैड्स और इनको हम टेस्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी जल्दी ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राई कितनी जल्दी हो जाता है, क्वालिटी कैसी है, लॉन्जिविटी कैसी है, लॉन्ग लास्टिंग कितना है, कंफर्टेबल कितना है, और प्राइस में बजट फ्रेंडली है या नहीं है। तो सारे एस्पेक्ट्स में हम चेक करेंगे कि कौन सा पैड सबसे ज्यादा बेस्ट है, चीपेस्ट है, अफोर्डेबल है। सो आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, करेंगे डिफरेंट पैड्स का टेस्ट। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप मेरे टेबल पे देख सकते हो, मैंने 6 डिफरेंट पैड्स मंगाए हैं। परी अल्ट्रा हैवी फ्लो चैंपियन डबल XL पैड, 9 सॉफ्ट अल्ट्रा थिन एक्स्ट्रा लार्ज पैड वाला है सोफी। सबके प्राइस यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं, आप वो भी देखिएगा कि बजट में है या नहीं। ये है प्रो ईज अल्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये है विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट एयर फ्रेश, एंड देन स्टे फ्री ड्राई मैक्स। सभी का प्राइस और नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो सबसे अफोर्डेबल प्राइस वाइज बात की जाए तो इनमें से परी पैड सबसे सस्ता है फिलहाल। अब देखते हैं इस टेस्ट में, तो ये अफोर्डेबल मैं इसको बोल सकती हूँ। प्रो ईज और स्टे फ्री ड्राई वेरिएंट है, विस्पर, परी, 9 सोफी, ये सारे सॉफ्ट वेरिएंट्स हैं। अगला टेस्ट करते हैं ड्राइनेस टेस्ट, इसमें कौन पास होता है पहले वो देखते हैं। तो एक एक करके सारे पैड्स मैं निकालती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ सारे पैड्स को डिस्प्ले कर दिया है। चलो एक एक को खोल के मैं डिस्प्ले कर लेती हूँ। सो गाइस, मैं खोल खोल के सारे पैड्स को इस तरीके से पेपर के ऊपर स्टिक कर देती हूँ, ठीक है। 1, 2, 3। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पूरे पैड्स को अच्छे से डिस्प्ले कर दिया है, सबको पेपर के ऊपर स्टिक कर दिया है, सबके साथ टिश्यू पेपर रख दिया है ताकि मैं इसके ऊपर चेक कर पाऊँ कि ड्राइनेस टेस्ट में ये पास होता है या फेल होता है। अब वो टेस्ट कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, हम सबके ऊपर बारी बारी से ब्लड डालेंगे। अब ये रियल ब्लड नहीं है, ये आर्टिफिशियल ब्लड है जो कि फूड कलर से क्रिएट किया गया है। सो हम लड़कियां एवरेज जितना मेंस्ट्रुएट करती हैं ब्लड निकलता है उतना ब्लड में लेती हूँ और सब में डाल करके देखती हूँ कि कौन सा पैड जल्दी अब्सॉर्ब करता है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू एक्साइटेड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, साइंस एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ कुछ फील हो रहा है। तो गाइस, इतना ब्लड तो हमारा एक बार में लॉस हो जाता है, मैंने फिर भी थोड़ा ज्यादा ही लिया है एवरेज से। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्रो ईज गो अल्ट्रा एक्सेल में, नेक्स्ट परी सुपर अल्ट्रा डबल एक्सेल के ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्लड, नेक्स्ट स्टे फ्री ड्राई मैक्स के ऊपर डाल रही हूँ, नेक्स्ट मैं सोफी के ऊपर डाल रही हूँ, नेक्स्ट विस्पर अल्ट्रा सॉफ्ट पैड, नेक्स्ट 9 नेचुरल सॉफ्ट पे डाल रही हूँ। सबके ऊपर ब्लड डाल दिया, अब टेस्ट करते हैं ड्राइनेस टेस्ट में पास होते हैं या फेल। इसमें लगा है जैसे कि आप देख सकते हो, सो ये तो पास नहीं हुआ। प्रो ईज अल्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में लग गया है थोड़ा सा ब्लड। नेक्स्ट परी पैड टेस्ट करते हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा है ब्लड गाइस, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो ये तो पास होता है टेस्ट में। नेक्स्ट स्टे फ्री ड्राई मैक्स को टेस्ट करते हैं और इसमें कुछ बूंदे लग गई, ये देखो। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं 9 पैड को और ये बुरी तरीके से फेल हुआ, इसके अंदर पूरा लग गया है ब्लड, ट्रांसफर हो गया है, तो ये ड्राई टेस्ट में फेल होता है। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं विस्पर को और ये भी बुरी तरीके से फेल होता है गाइस। नेक्स्ट बारी आती है सोफी पैड की, सो लेट्स सी, और ये भी बुरी तरीके से फेल होता है, इसके ऊपर भी ब्लड आ गया। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। सो गाइस, आप देख सकते हो सबके टिश्यू पेपर्स उन पैड्स के साथ रखे हैं और कौन सा वेट हुआ है और कौन सा ड्राई है। सारे पैड में से सिर्फ परी पैड इकलौता ऐसा पैड निकला जो ड्राइनेस टेस्ट में पास होता है गाइस। मैं कितना जोर से दबा रही हूँ ये देखो, इससे ज्यादा मैं और जोर से क्या दबाऊ, बिल्कुल भी नहीं। वही मैं बाकी पैड्स की बात करूं तो ये देखो और गीला हो गया, ये अभी तक गीले हैं पैड्स, ये देखो अभी तक गीले हैं, ये सारे के सारे पैड्स गीले हैं, सब फेल।
सिर्फ परी पैड पास होता है। सो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया और देखा कि ड्राइनेस टेस्ट की बात करें तो सब ने अपना रंग छोड़ दिया टिश्यू पेपर के ऊपर, बुरी तरीके से फ्लॉप होते हैं, और परी पैड ने बिल्कुल भी रंग नहीं छोड़ा। ये देखो, फिर से दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी पी गया। ये बहुत ही प्यासा था ये पैड, और पानी पी करके अपनी प्यास बुझा ली इसने, मतलब कमाल का, आई एम हाईली हाईली इम्प्रेस्ड। तो अगर बात की जाए बेस्ट पैड कौन सा है, तो अब तक के सारे टेस्ट में ये पास हुआ, तो इसी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। सो गाइस, इस टेस्ट से ये पता चलता है प्रो इज स्टे फ्री ड्राई वेरियंट होते हुए भी लेट एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ परी पैड। एक बात और, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ काफी ज्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पैड लगा के जब सो जाते हैं तो पीछे से लीकेज जो जाता है हमारे कपड़ों में, पैंटी में, बेडशीट में, पीरियड्स का स्टेन लग जाता है, बट क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा अच्छी दी हुई है तो पीछे से फुल कवरेज मिलता है। प्लस इसमें डबल फेदर है, डबल फेदर मतलब देखो यहाँ दो फेदर आपको मिल रहे हैं, प्लस यहाँ भी आपको डबल फेदर नजर आ रहा है, ये देख रहे हो, ये और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। अगर डबल फेदर है तो जितना ज्यादा से ज्यादा आपका हैवी ब्लीडिंग होता है ना, उसे क्विकली उतनी ही तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लस ये आपके टॉप शीट को एकदम सेफ और ड्राई रखता है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक चलता है, बार बार हर घंटे आपको पैड चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब भी आप पैड यूज करते हो हर 3 से 4 घंटे में आप पैड को चेंज करते रहा करो, लेकिन बाकी के जो पैड्स होते हैं ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद आपको चेंज करना पड़ सकता है अगर आपका हैवी फ्लो होता है तो, ये आराम से 4-5 घंटा टिक जाएगा। और इसकी पैकेजिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लव दिस। इसमें बहुत सारी वैरायटीज भी आते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, एक एक करके मैं इनकी वैरायटीज भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आप ये ट्राई कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज परी अल्ट्रा हैवी फ्लो चैंपियन। सो बहुत ही क्विकली ड्राई हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है, और ये सिर्फ 40 रुपए का आता है, प्लस 5 रुपए आपको इसमें कैशबैक भी मिल जाता है, तो मतलब 35 रुपीज का पैड। फिर आपके हैवी से भी ज्यादा हैवी फ्लो आता है, मतलब पहले दूसरे दिन बहुत ज्यादा हैवी फ्लो आता है, जब मुझे पीरियड्स आते हैं तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे में आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। ये 45 रुपीज का है, 6 पैड्स आते हैं, और ये डबल एक्सएल है, मतलब और भी ज्यादा कवरेज आपको देता है, और इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। डबल फेदर के साथ सॉफ्ट एंड रैश फ्री है, कई बार पैड्स लेने से हमारे इंटीमेट एरिया में रैशेस पड़ जाते हैं, ये पहनने से रैशेस नहीं पड़ते हैं। सबसे अच्छी बात, मात्र 3 सेकंड के अंदर इसने अब्सॉर्ब कर लिया था सारे ब्लड को। नेक्स्ट एक और वेरिएंट आता है, ये 74 का आता था लेकिन अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 64 का मिल जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज परी अल्ट्रा थिन हैवी फ्लो चैंपियन। ये और भी ज्यादा थिन है, सेम चीज आपको डबल एक्सएल में भी मिल जाएगी, ये एक्सएल है, ये डबल एक्सएल है, और भी ज्यादा बड़ा है और अल्ट्रा थिन वाला है, तो ये आपको मिल जाएगा 80 रुपीज में 7 पैड। अगर आपको प्रीमियम क्वालिटी का पैड चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो, पैकेजिंग भी बहुत प्रीमियम लग्जूरियस से दिखती है, और अंदर पैड्स भी बहुत अच्छे से पैक्ड होकर के आते हैं लाइक दिस। एंड नेक्स्ट इनका पैंटी लाइनर भी आता है, जब आपके पीरियड्स ना आ रहे हो या लग रहा है कि कभी पीरियड्स आ जाएंगे तो ऐसे में आप पैंटी लाइनर्स यूज कर सकते हो। कितने छोटे से हैं, बहुत ही छोटा और क्यूट सा है, बहुत क्यूट है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेबी पैड, दिस इज पैंटी लाइनर, और 125 का आता है, और इतना पूरा आपको डब्बा मिल जाएगा, और इसके अंदर 25 पीस आपको मिलते हैं। मैंने ये देखा तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके अंदर हेयर रिमूवल क्रीम्स भी है, रोज और एलोवेरा जेल वाला, सबसे से मेरा फेवरेट है परी सुपर अल्ट्रा डबल एक्सएल। सारे अच्छे हैं बट दिस इज दी बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर डबल फेदर है जो 64% वाइडर कवरेज देता है कंपेयर करें किसी और पैड से। तो ये 2 साइजेस में आता है, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल, बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइस पे आता है। जैसे कि जो एक्सएल का प्राइस है वो सिर्फ 40 रुपीज है और 6 पैड्स मिलते हैं, और जो डबल एक्सएल वाला पैड है वो 45 रुपीज का मिलता है और 6 पैड्स है उसमें। और इनके जितने भी अल्ट्रा थिन पैड्स हैं ये इतने ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है कि जब आप टाइट लेगिंग, टाइट जींस पैंट्स पहनते हो तो पैंट, ये पैंटी या आपके ड्रेसेस फिटिंग जो बॉडी हगिंग ड्रेसेस होती हैं उसके बाहर से लाइंस नजर नहीं आती हैं पैड्स की, इतना ज्यादा नहीं। तो कभी कभी कुछ कुछ पैड्स होते हैं जो इतने ज्यादा मोटे कदम दार बना देते हैं ना कि कुछ पैंट की टाइट फिटिंग का बॉडी है हगिंग ड्रेस पहनो तो वो सी थ्रू होता है कि अरे पैड नजर आ रहा होता है, ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशंस कभी कभी हो जाते हैं, बट इसमें नहीं हुआ क्योंकि अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा सॉफ्ट। सो गाइस, आज मैंने टेस्ट किए बहुत सारे पैड्स को, अगली बार कौन सी चीजों को चाहते हो मैं टेस्ट करके उसके बारे में बताऊं वो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। जितनी भी चीजें दिखाई है सबका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑल्दो ये पैड्स आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पे भी मिल जाएगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस। मेरा व्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, डू सब्सक्राइब टू सी माय लाइफस्टाइल प्रेगनेंसी जर्नी व्लॉग्स, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय।